पीट गया फोन लेके मेरे से कमरे में भी लगवा ले मैं लिया है तेरे लिए ले नहीं लगवानी अपना मुंह बंद रख पोस्ट बर्थडे ये सबसे बेकार काम होता है जब तक बर्थडे सेलिब्रेट होता है तब तक सब बढ़िया लगता है उसके बाद जो फैलता है सारा काम ब्लेड से फोड़ रहे हो आप हाँ। मुझे लगा स्पिन वगैरह कोई है नहीं ये बैलून भी काटने पड़ते हैं ना अच्छा ओके ओके। हाय गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग और आप देख ही सकते हो अभी तो साफ सफाई होगी घर की अभी ये बर्थडे के बलून्स वगैरह ये सब हटा रहे हैं भैया और इनका जो सामान है ये लेकर जाएंगे वापस बहुत जल्दी टाइम से आ गए भैया को मैंने बोला था 11 बजे तक आना लेकिन पहले ही आ गए यशी नहाने घुसी थी इतने में भैया आ गए बोला गेट खोल जल्दी अभी बलून वाले भी आए हैं सामान लेकर जाएंगे ये यशी का भाई आया खाना देने के लिए गुब्बारे फुटवा काम करवा ले अरे ऐसे तो कल हो जाइए फोड़ते पेन वगैरह ले कुछ ये प्लेट भैया से भाई को मुझे ही पकड़ा दिया आप भी बोलो अंकल भी आए हैं नमस्ते अंकल नमस्ते अंकल आते ही बोले कर दिया खराब इतनी मेहनत को हाँ तो इतना पैसा लगाया डेकोरेशन किया और उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं अब क्या कर सकते हैं उसको सजा के तो रख नहीं सकते अंकल को आंटी जी शॉक में आज आंटी आपके लिए काम बहुत ज्यादा हो गया है कभी कभार तो चलता है ना महीने में एक दो बार तो है ना वैसे तो चलता ही है कभी कभार तो फैलना भी चाहिए काम क्यों बिल्कुल भैया कहाँ हैं भैया आ रहे हैं भैया तो अभी आएंगे नीचे कुछ काम कर रहे थे शायद ना हाँ। चलो हमने आपके लिए केक बचा के रखा है बड़ी मुश्किल से बच पाया केक बहुत टेस्टी है और है ना आप लोग नहीं खाओगे बच्चों के लिए लेके जाओगे ठीक है ना और अभी नहीं लेके जाएंगे जाएंगे तब लेके जाएंगे जब आपकी मर्जी हो तब लेके जाना उस फ्रिज में रखा है जब आपकी मर्जी हो तब ले जाना बस याद से ले जाना अगर आज आप नहीं लेके गए ना तो ये हमारे बच्चे खा जाएंगे ठीक है बड़ी मुश्किल से कल बचाया हमने केक ठीक है भैया हाँ मेरी नो एडेड शुगर जीरो एडेड शुगर मुझे आ गई कितने पैकेट मटन आ गई 2-3 और ये क्या है ओट्स ही मंगाए मैंने सुपर ओट्स ओट्स ट्राई करके देखूँगा पहली बार इनके कैसे हैं मूसली अच्छी है इसलिए मैंने मूसली वापस मंगा ली और प्रोटीन बार मैंने इतना सारा ऑर्डर कब कर दिया मुझे तो ध्यान नहीं दो रोटी के बाद इसमें क्या है ट्रायल मिस्क ये क्या मैंने मंगाया ये क्या है भाई ये तो मैंने ऑर्डर भी नहीं किया योगा बार गोल्ड क्रंची नट्स एंड सीड्स खाने का सामान ऑर्डर किया और मैं पूछ रही हूं तुमने कपड़े ऑर्डर करे ये शायद उन्होंने फ्री में दे दिया मुझे इतने सारे ऑर्डर के साथ मैंने ये ऑर्डर किया था ये फ्री में आ गया शायद तेरे लिए कुछ भी नहीं है इसमें से क्यों सब मेरे लिए ये क्यों तू क्या करेगी खा के नहीं पिया मोटी हो जाएगी बिना ये खाऊंगी ना ये क्या है क्या मुझे भी नहीं पता स्पाइसी मसाला नट्स एंड सीड्स ओ ये वो सीड हां ये तो खाऊंगी मैं नहीं 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 अरे अब मैंने आज ब्रेकफास्ट में कुछ भी नहीं खाऊंगी अरे तो ब्रेकफास्ट में सही में कुछ भी नहीं आज अच्छा आज ब्रेड भी नहीं है कुछ भी नहीं है दूध तो मैं लिया है दूध पी लियो ना दूध तो पी लूंगी मेरा विटामिन सी खत्म हो गया कल जो विटामिन सी पी के मैंने उल्टी करी थी ना उसके बाद से विटामिन सी बुरा लग रहा है मुझे लेकिन पीऊंगी विटामिन सी तेरी धरन चली गई थी ना इसलिए उल्टी हुई थी विटामिन सी की वजह से नहीं हुई हां ऑब्वियसली बट वो क्या होता है कुछ खाते कर दो ना उल्टी तो चली रुक थोड़ी देर मार्केट में जाके आया हूं ऐसी हालत हो गई है भाई और चीव वापस चली गई है कल मैं इसके घर गई ना मैं तो भाई गाड़ी में एसी है भी या नहीं है इतनी बुरी गर्मी हो रही थी देखो आप कितना पसीना आ रहा है भयंकर गर्मी है भाई पागल हो क्या वो तो डरी डरी मैं डर गई जबरदस्ती हमारी हालत टाइट होती जा रही है क्योंकि लाइट नहीं आ रही है 20 मिनट हो गए लाइट को गए हुए वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि ये एसी ऑन था इधर वाला रूम ठंडा था लाइट गई मतलब हम इसे रूम में ही थे लाइट गई मैंने कहा चलो ठीक है आ जाएगी 20 मिनट हो चुके हैं ये रूम भी एकदम ऐसा हो गया तपता हुआ और अभी हालत टाइट हो रही है भयंकर वाली ये इंसान बंद होने वाले हैं गर्मी से इसने तो चार्ज कर लिया लेकिन वाईफाई नहीं तो चला के करेगी क्या तू मेरे पास देखो 1 GB नेट है उससे कुछ भी नहीं चलता यहाँ पर थोड़ी सी देर तो चली जाती हाँ, अटक, 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 पता है क्या पता है दो बार गई थी लाइट लेकिन दो बार एक सेकंड के अंदर अंदर आ गई लाइट अब आई नहीं रही दो बार गई थी लाइट हाँ दो बार एक दो बार गई थी और फिर एक एक मिनट मतलब ऐसा हो गया बहुत जाते ही आ गई थी और अब आई नहीं रही अब क्यों नहीं आ रही भाई 20 मिनट हो गई और अब ये और 20 मिनट नहीं आई ना तो ऊपर ही ऊपर और है अपन तो आज क्या यहीं से ऊपर चले अगर उधर हॉल में चले जाऊंगा ना तो मैं तो
मैं गई उस हॉल में, ऐसा लग रहा आग जल रही है। आग ही जल रही है तो वहां पर तू नीचे वो तल सकती है कुछ ऐसे भी? मैं गई और ऐसे एकदम भपका आया। भगवान लाइट भेज दो जल्दी से प्लीज। यार इतने अच्छे एरिया में अभी भी लाइट जाती है, पता है यहाँ पर कितना पॉश so एरिया ही है लेकिन फिर भी यहाँ पर लाइट जाती है और आ भी नहीं रही है। जाए तो ठीक है, आए तो सही सब जगह। अरे यार व्हाट द हेल, बहुत बुरी गर्मी लग रही है भैया। खाने का टाइम हो चुका है, भूख भी लग रही है लेकिन कैसे खाएं? गर्मी में नहीं खाया जाएगा, नहीं खाया जाएगा। वो तो उल्टे करने लग जाएगा गर्मी में खा लिया। और नेट भी नहीं है, बिना बिना फोन मतलब कुछ देखे तो बिल्कुल भाग गई। जेठालाल चाहिए, तुम्हारी बड़ी वो है जेठालाल चाहिए। हाँ यार सुनो, वो दो दो न्यूज पेपर लो, एक तू यहाँ से कर, तू यहाँ से कर, हवा करवा के कर। क्यों भाई, आप हमको कर दो फिर हम आपको कर देंगे बदला, बदला का बदला। नहीं नहीं पहले ना, हमारी ना पुराना वो बीज ऐसे करते थे, बीज यूं तो बैठ जाती थी। अरे मुझे इतना बुरा लगता था, मुझे इतना बुरा लगता था, मेरे से चलता नहीं था, वैसे घूमता नहीं था, पता नहीं कैसे लोग घुमाते रहते थे। मैं पता मेरे को क्या आदत थी, अब मैं ना दूसरों को तो हवा दे दूं, फिर मेरे को कोई हवा दे तो मेरे यार हाथ दुख जाएगा इसका, फिर लेके बैठ जाती थी मैं तो। नानी क्या करती थी, यहाँ तो सुला देती थी हमें, यूं ऐसा ऐसा करती थी, खुद के भी आती थी दूसरों के भी। मेरे को वो अच्छा लगता था, वो ऐसे ना उसमें ना घूम ऐसे घूमता रहता था, रेड कलर का था एक तो आता है लकड़ी का रोज लाइट जा रही है, तीन चार ले आता हूँ, रोज लाइट जा रही है पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन रोज आ जाती है, उसको आई नहीं रही। 20 मिनट सबसे हाईएस्ट है, मैं ही जाऊँ क्या, चले जाओ ना तुम लोग। ये देखो शॉर्टकट अपना लो, ऐसे नीचे से कूद जाओ यहाँ से। ये पता है क्या, इस दीवार पर खड़े होकर नीचे देखते हैं तो इसको नीचे भी सिर्फ 7th फ्लोर दिखता है। पता है यूं करके देखती हूं, मैं इसको लपड़ लगाती हूं, मैं गिर जाएगी। डोली है यहाँ तक ऐसे करके नहीं देखती है, लेकिन इतना ऊपर उठने के बाद भी 7th फ्लोर देख पाती है, उससे नीचे नहीं दिखता इसको। पता है क्या हुआ, इधर हम लोग ये ना खाना लेके आया बाहर, हम लोग बाहर खड़े थे, अच्छी आवाज चल रही थी, खाना लेके आया, उसको रख दिया और मैंने कहा देख ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा। अरे नहीं गिरेगा, पहली बार में यूं करके धप से नीचे गई वो चमची और ना यूं हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ किया, मैंने कहा अगर किसी के सर पे फूट गई चमची, नीचे तो गिर गई चमची तो क्या पता चलेगा, हमने तो गिराई है। पागल हो रही हो क्या, सबसे फेवरेट चम्मच थी वो मेरी, इतनी पता इतनी बड़ी चम्मच पता है मुझे, पता है हमारे घर में दो चम्मच थी स्टील की, अब एक रह गई। अब यार कुछ ठंडा लगा, हमारे घर में दो ग्लास थे अब एक भी नहीं रहा। अब नहीं, एक कांच का था एक स्टील का था, अब हमारे पास प्लास्टिक का ग्लास है। हमारे पास प्लास्टिक का ग्लास है जिसमें दूध ज्यादा गर्म हो तो डल नहीं सकता, मैंने सुबह से दूध नहीं पिया। हमारे पास है ना लैंडलॉर्ड सर का कॉल आया, उन्होंने बताया क्या करिए, कि हमारी बिल्डिंग में शॉर्ट सर्किट हुआ है, लेकिन सारे फ्लोर्स की लाइट आ चुकी है लेकिन सिर्फ इस वाले फ्लोर की नहीं आई है, इसमें सिर्फ हम रहते हैं। सर ने कहा है कि नीचे मैंने बंदा भेजा हुआ है, अगर आ जाती तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको ऊपर भेज दूंगा। ओ भाई यहाँ तो भपके उड़ रहे हैं, ये देखो कैसे हवा ले रही दोनों बहने। ओ भाई इस गरीब को भी थोड़ी हवा दे दो ठंडी ठंडी, इसमें भी इसमें तो ठंडक है भी इसमें, बस इसमें अंदर से हल्की ठंडक है। मैं वो सब हाँ। मैं तो सबसे छोटी और बहुत बड़ी हूं। हां गुसाला पर भूल गया। गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा, ठंडा पानी मत पीना, नहीं तो अभी रोते जाओगे सारे के सारे। उतना ठंडा पी रहे हो तुम, पानी पागल हो गए तुम बेवकूफ। देखो गाइस हमारा पंखा चल रहा है, गाइस हमारा पंखा चल रहा है, लाइट आ गई फाइनली, लेकिन फाइनली वाली आ गई ना, कहीं वो काम कर रहे हैं वापस जाइए। अरे यार भैया क्योंकि वो जो तुम बोल रहे थे ना दो तीन बार गई, वो शायद वो नीचे काम चल रहा है उसी की वजह से जा रही थी बार बार। खाना यहीं पर खा रहे हैं, उधर हॉल में नहीं जा रहे हैं, बहुत गर्मी है क्योंकि। अब मैं रस पीऊंगी। आज तुम्हारे घर से क्या खाने में है? आलू के अच्छा आलू के पराठे हैं क्या? आलू के पराठे। ये काय का अचार है? ये मैम वाला अचार है। और ये काय के अचार? ये लहसुन की चटनी है। और ये टमाटर सॉस है। और आम रस। कितने वैरायटी के साथ खाना खाती है। मेरे से नहीं खाया था, मुझे खाना अच्छा चाहिए होता। ये सी खा लेना, पक्का उल्टी कर दे। मैं तो कर दूं। ठक ठक और ये ठक। ओके ठीक है गाइस, पता है क्या ये आज बना रही वीडियो, अप्सरा आली जो सॉन्ग है ना, अप्सरा आली, इससे बहुत बड़ी मेमोरी जुड़ी हुई है हमारी। हमारा क्या कौन सा फंक्शन था, ये टीचर्स डे था? नहीं टीचर्स नहीं था, 26 जनवरी था। तो उस टाइम पर है ना हम लोग डांस वगैरह तो होता ही है स्कूल में, तब इसने उस सॉन्ग पर डांस किया था, और जैसे इसने ये आया था ना साउंड अप्सरा आली, इसके बाल ऐसे बंधे हुए थे और अप्सरा आली ऐसे हुई और उसके बाल ऐसे खुले और हम लड़के सारे ओ और भाई साहब मस्त माहौल बना देता था इसने उस टाइम पे। मैंने थोड़ी वो डेलिबरेटली नहीं बनाया था, और
पता है कि क्या, मेरी जो स्कूल की प्रिंसिपल है ना, तो मेघना मैम बिफोर वॉचिंग दिस रियली सॉरी, तो वो मेरे पास आई और है ना मेरे को लग रहा है मेरे को डांट पड़ेगी तो मेरे पास आके बोलती है यू आर लुकिंग सेंसुअस में अफसर अली, फिर हम हमेशा ना इसके सामने ऐसे करते रहते थे अफसर कम से कम मैं तो साल भर तक यही चलता रहा था। मैंने उस जुड़े को कम से कम 7-8 बार बांधा था फिर भी खुल गया नहीं, लेकिन अच्छा हो गया ना उस खुलने की वजह से, वो अच्छा हो गया तेरा डांस वाला, तो बहुत बेकार कर रही थी मैं थप्पड़ देती नहीं पता कि प्रैक्टिस करी थी सो 2 महीने तक की थी ऐसे थक थक और मैंने इसके जस्ट सामने है ना वीडियो बना रहा था हां जस्ट सामने बैठा था ये मेरे और सबसे पहले ये खड़ा हुआ था स्टैंडिंग ओवेशन देके ताली तो यार आई अप्रिशिएट बचपन से ही खराबी है मैं बचपन से पीछे पड़ा हूं बचपन से भी कह सकते हैं, पता है जब ये नर्सरी और एलकेजी में थी ना इसके जस्ट बगल वाले स्कूल में था मैं। हाँ पता है, ये पता उसमें था चिल्ड्रन एकेडमी में था ये। अच्छा मैं जब पब्लिक में था। बचपन से पीछे पड़े बिल्कुल रखूं पैदों के। दो और पार्सल आएंगे, मैंने ब्लैक ट्राउजर मंगाया है, पहले वाला थोड़ा टाइट हो गया पुराना भी हो गया, और एक वाइट शर्ट मंगाई है, पहले वाली जो एक और शर्ट थी मेरे पास वाइट लेना वो बहुत ढीली थी, मैंने कहा फिटिंग विटिंग कौन कराएगा, एक नई मंगा ली। फिर मैंने और एक नया मैंने ट्रिमर भी मंगाया है उस तरह का, फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगा उस तरह का ट्रिमर, अच्छा होता आपको बताऊँगा मैं। वैसे तो मैं सलून पर जाके ही सेट कराता हूँ, बट हाँ अभी क्या कभी भी लॉकडाउन लग जाता, कभी भी बाई चांस जैसे भूल जाओ कराना, आप जैसे फ्राइडे को भूल के मान लो कराना, लेकिन सैटरडे संडे को अच्छे से बियर्ड नहीं है सेट और वीडियोस वगैरह बनाने, तो इसलिए उसके लिए मैंने एक ट्रिमर मंगा लिया कि कभी भी अगर खुद से भी सेट करना हो तो सेट कर पाऊँ। और मैंने ना ये सेम टी शर्ट है ना ये बहुत लूज लूज सी और एकदम कम्फर्टेबल है, एकदम ढीली ढीली सी, मेरे को बहुत अच्छी लगी है, तो मैंने इसमें सेम में ना एक लाइट पिंक कलर और एक आई थिंक रेड है ब्लू है कौन सा कलर है मेरे को ध्यान नहीं, दो और सेम टी शर्ट्स मंगा ली मैंने। और इस वायरस से ना राजस्थान बहुत जल्दी रिकवर कर रहा है, मैंने देखा कल मैंने केसेस देखे, मतलब एक टाइम था अभी थोड़े दिन पहले ही 19,000-18,000 केसेस आ रहे थे और कल ऑलमोस्ट सिर्फ 500 केस आए हैं, 500 या 600 के आसपास ही आए हैं, जिसमें से जयपुर में जहाँ पर 4,500 आ रहे थे 100, 105, 120 ऐसे ही आ रहे हैं बहुत, तो बहुत जल्दी से रिकवर करके डाउन हो गए एकदम केसेस, भगवान ये केसेस जितने भी आ रहे हैं 500-600 भी आ रहे हैं ना ये भी बिल्कुल ख़त्म कर दें बस, फिर सब ओपन हो जाएगा, फिर हम जाएंगे ट्रैवल करने के लिए, हम वेट कर रहे हैं यार जल्दी से, इस इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, मन कर रहा है कि हिमाचल साइड चला जाऊँ और वहीं पर कोई रेंट पे दिलवा दे अच्छा सा घर और वहीं हम शिफ्ट हो जाएं। 1, 2, 3 मैडम एक बार आपकी साड़ी वाला लुक तो दिखा दो, वैसे झटका के चल के आओ यार, झटका के चल के आओ हाँ। और यार उधर से आती देखो ये अच्छी लग रही है तू, थैंक यू, नीचे चप्पल है तो बहुत ही प्यारी लग रही है बोलना चिक चिक लगने लगी है आजकल, और अभी जस्ट मैंने एक रील बनाई और ये रहा मेरा आज का आउटफिट, मैंने इसकी ना टी-शर्ट यूं कर दी तो लारा मेरे को नहीं गया पिटी, हां तो मैं नए नए कपड़े पहन के आऊंगा, ऐसे ऐसे खींच देगी ऐसे खराब कर देगी, आप लड़की हो आप एक दूसरे का कत्ल क्यों नहीं कर देते मौका मिलना चाहिए मौका इतनी सुंदर लड़की को कैसे मारेगा, बस यही तो एक रीजन रह गया तू जिंदा है, अब तो मैं शिनचैन भी नहीं हूं ना, हां अरे बेगम क्या चाहती है, मैं इसको खींचू, अरे वही रहने दे, नहीं रहने दे, नहीं नहीं चली जा ऐसे चली जा, ऐसे पीछे लगाने का, अरे चेन में लगा लेती जो ऐसे मुझे, 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 चेन में लगाने का ज्यादा सेंस बनता है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वापस करो अपने पास बुला रही पहली बार, अरे चेन में मैं बता रहा हूं एक बार ये तो ठिंगड़ी ले 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 सिमोर हां ये दे मेरे को डंडा, चाप से फोन ले दे सूख जाएगा मेरे हाथ से, काय को देखो गाइस बैंड बजा दिए, अच्छा बता दे तुझे अभी जो मेरे को फिर पर क्या है ना पीठ के आया और फोन लेके मेरे से, मैं 2 मिनट तक नाटक कर रहा,
बड़ी लड़ाई देखना है हमारी, है ना? बहुत कोशिश कर रही है खराब कर ही दिया ना। अंगूठे पे लगा दे यार। मेरे क्या इस अंगूठे में थोड़ी सी वेट उठाते वक्त पता नहीं क्या थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, अब वो कंटिन्यू, अब क्या बार बार डम्बल तो उठा रहे होता है तो वो कंटिन्यू ठीक ही नहीं हो पा रही, इसे रेस्ट लेना पड़ेगा, या तो रेस्ट लेंगे तो फिर एक्सरसाइज कैसे करेंगे, इसलिए दवाई लगा के ट्राई करते हैं। इतने दिनों तक तो ट्राई नहीं किया था, इसको दोनों को मिक्स करना है फिर लगाना है हाथ पे। साथ में से मेरे कमर में दर्द हो रहा था ना, तो ये क्रीम मैंने 100 बार मंगवाई, एक बार इसने मेरे को लाके दी थी और अपने अंगूठे में दर्द होते फट से मंगवा लिया। कमर में भी लगवा ले, मैं लिया है तेरे लिए, लगा नहीं लगवानी, अपना मुंह बंद रख। डन विद द वर्कआउट गाइज। और यहाँ आते बताए मैंने क्या देखा, इतनी अच्छी खुशबू, और देखो उसको कैसे कढ़ाई के अंदर खा रही है भाई। हमारे घर में प्लेट भी है, चलो गाइस मैं भी अपना डिनर वगैरह करता हूँ, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, अगर एंजॉय किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। मिलते हैं कल, बाय।